तो हे हेलो गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करके आप ठीक होंगे, ठीक ही रहना। तो गाइस आज हम बनाएंगे गुलाब जल। आपको पता है गुलाब जल हमारी किडनी के लिए कितना अच्छा होता है और कितना बेनिफिट देता है हमको। तो गाइस ब्लॉग में पूरे बने रहना और आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करो। तो चलो हम अभी गुलाब जल बनाते हैं। बनाने के लिए हम बनाएंगे गुलाब जो कि हमने लाए हैं, और जब हम गुलाब लाए तो इसकी जो डंडी है उसको तोड़ के लगता है जो कि मैंने कर ली थी, और इसको भी तोड़ना है। टूटी को भूल लिया और इसको तोड़ लेते अच्छी तरह। तो आपके हिसाब से है कि हमने गुलाब का रंग अच्छी तरह उड़ जाए गुलाबी से वाइट हो जाएंगे, तो इसका मतलब कि ये भी होंगे ठीक है। आप देख सकते हो तो वीडियो में पूरे बने रहना। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो में कमेंट करके बताना। अगला वीडियो हम काम कर रहे ब्लॉग भी शूट करेंगे। तो इधर भी हम लोग इसका कलर दे सकते हो कि थोड़ा थोड़ा व्हाइट हो चुका है, व्हाइट हो गया है। आपको दिख रहा होगा शायद ये शायद दिख रही होगी, मुझे तो दिख रही होगी, लग रहा है दिख रही होगी। और अभी ये होल्ड दे रहे हो ठंडा नहीं लग रहा है। ये देखो अभी अंधेरा भी हो चुका देखो, और ये देखो ये वाइट हो गया, मतलब कि इसका मतलब कि इसका रंग उतर गया है और शीश में आ गया ना, तो ये गुलाब जल बन गया। और इसको भी पोनी करके इसमें डाल लेते हैं। तो चलो हम इसको डाल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी इसको हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं, इसको ऐसे निचोड़ लेना अच्छे से। और इसको कोई भी बर्तन में डाल सकते हो, यही नहीं कि कोई किसी भी जग जुग में डालना है, किसी भी बर्तन में डाल सकते हो। अभी बार मेरे पास कुछ है नहीं था इसलिए इसमें डाल लिया। और इसको आप फेंकना मत, इसका कहीं यूज़ होता है, इसको आप फेस पर लगा सकते हो ना, फेस पर लगा सकते हो। सब्सक्राइब करना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।